मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं भाई और स्वस्थ हैं। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं घर से और बज रहे हैं आज के 3। और यार आपको एक आज गाड़ी दिखाने वाले हैं हम लोग। आई डोंट नो भी कंप्लीट हुई कि नहीं, वैसे मतलब पूरी तो नहीं कंप्लीट हुई है क्योंकि वो कभी कंप्लीट होगी भी नहीं, क्योंकि वो भाई अब एक प्रोजेक्ट कार बन चुकी है जो कि मतलब एक पुरानी फॉर्चुनर है। पूरा बहुत ज़्यादा भी मतलब सबसे पहले वाली नहीं, सबसे पहले के बाद वाली जो कि सबसे पॉपुलर शेप था फॉर्चुनर का, है ना, 3000 cc वाली 4x4 है तो ब्लैक कलर की। तो अभी क्या है ना, वो गाड़ी पूरी रिस्टोर हुई है और पूरी गाड़ी दोबारा से पेंट हुई है, मतलब A to Z नॉच अलॉयज अलॉयज सब कुछ मतलब नई हो गई है एकदम से एक तरह से। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए उसको अपनी प्रोजेक्ट कार बनाने जा रहे हैं। अपनी फॉर्चुनर तो है ही भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट कार बनाने जा रहे हैं क्योंकि उसमें भी आफ्टर मार्केट अब काम होना स्टार्ट हो गया है। और अब उसमें देखेंगे भाई हम लोग क्या क्या करा सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि जिस भाई की गाड़ी है उसके जो फादर हैं उनको पॉलिटिकली भी कई काम करने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खिलवाड़ तो नहीं कर सकते उसके साथ। बट जितना अपने एंड पे हो सकता है इंटीरियर रिस्टोरेशन, गाड़ी की रिस्टोरेशन, आपको पेंट दिखाएंगे गाड़ी पे कैसा पेंट हुआ है, ठीक है। और ब्लैक कलर पे भाई बहुत बारीकी से आपको पता है काम करना पड़ता है, क्योंकि हल्का भी पेंट ख़राब हो जाए ना पूरा मज़ा ख़त्म हो जाता है भाई गाड़ी का, ठीक है। तो अभी बस चल रहे हैं भाई, चल के देखते हैं कैसा काम हुआ है गाड़ी में और आपको गाड़ी दिखाते हैं वो कौन सी गाड़ी है, ठीक है। तो गाइज अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, गाड़ी वो आ चुकी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और भाई ये देखो एकदम शोरूम कंडीशन में भाई गाड़ी आई है, पूरी गाड़ी भाई थोड़ा धूल लगा हुआ है वरना पूरी गाड़ी भाई पेंट हो चुकी है एक बार दोबारा, है ना। 2000 भाई कब की गाड़ी है ये? 2012 की गाड़ी भाई। और मैं सच बताऊँ जो अभी वाली फॉर्चुनर है भाई ना, उससे भी ज़्यादा मुझको ये गाड़ी पसंद है। वो क्यों है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तब से आप ये देखो भाई इसके अलॉयज देखो यार, चमक देखो अलॉयज की भाई, इतने अच्छे से काम किया गया है ना। ये गाड़ी का साइड है और ये गाड़ी के पीछे का हिस्सा है जो कि आप देख सकते हो, लाइट्स कस्टमाइज्ड है और ये भी भाई ने अभी भी काला करा के रखा है, ठीक है। और अगर बात करें भाई इसके रूफ की तो रूफ भी भाई पूरा पेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि रूफ छोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये जो इसका ये भाई इसलिए होता है ताकि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको ऐसा एंगल मिले गाड़ी के अंदर से बैठ के। और भाई मुझको ये बहुत पसंद है, ये इसका एयर इनटेक सिस्टम है। और अगर बात करें इसके आगे की लाइट्स की तो आगे की लाइट्स भाई इसकी वाइट कलर में आपको मिल जाती हैं। गाड़ी के इंटीरियर के लिए भी भाई बहुत कुछ अभी सोचा गया है। अभी देख लो इसका इंटीरियर है एकदम बेसिक, लेकिन बहुत जल्द आप लोग को देखने को ये चीज़ मिलेगी कि भाई इसका इंटीरियर भी पूरा चेंज होगा और भाई ऐसा बनेगा कि शहर में दूसरी गाड़ी भी नहीं होगी ऐसे, ठीक है। और बाकी भाई गाड़ी कितनी मेंटेन है यार, जबकि इतनी पुरानी गाड़ी आप देख सकते हो अपने आप से, 4x4 गाड़ी है ये, क्योंकि भाई 4x2 अपने ग्रुप में ज़्यादा किसी को जमती नहीं है उतनी ज़्यादा, इसलिए गाड़ी 4x4 है। पीछे भाई बहुत जगह, और मुझको इस वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी की सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं भाई अपने वाले फॉर्चुनर से। इसकी वजह ये हो सकती है कि भाई इसकी सीट्स थोड़ी चौड़ी हैं बैठने में और हम लोग भी थोड़े चौड़े हैं इसलिए। तो अब भाई चलते हैं एक छोटे से राउंड पे और आपको दिखाते हैं भाई गाड़ी चलने में कैसी है ये। जब आपने कई रीलों में देखा होगा ना, ये इसके ऊपर कई रील भी बन चुकी है भाई। ये गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो इसके इंजन में इतना पावर है, गियर देखना भाई, ये देखो यार सारा कुछ हिलने ही लगता है एकदम। 3000 cc जितने घोड़े हैं इसके अंदर सब दौड़ने लगते हैं तुरंत स्टार्ट होते ही। यार क्या कमांडिंग लगती है ना भाई अंदर से, मतलब ये एयर इनटेक इनटेक जब दिखता है यार यहाँ से बहुत मस्कुलर लुक आता है भाई पूरी गाड़ी का। और रिवर्स कैमरा तो भाई आज की फॉर्चुनर का भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसका क्या ही बोलूँ भाई। इसका इंटीरियर जब आप देखोगे ना, जब गाड़ी बन के आएगी उसके बाद क्या मैं बताऊं यार, दिल खुश हो जाएगा आपका। अरे अपना एक और भाई आ गया, इसको भी ले लेते हैं एक मिनट रुक के। आओ गाड़ी में बैठो, क्या लेके आए हो? अरे वो सामान था। गाड़ी में रखो उसमें और आओ। तो भाई इसकी ड्राइव यार, मतलब जो असली शौकीन आदमी होता है ना जिसको, मतलब खासकर मैं ये 4x4 वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ भाई, इस आवाज़ से ही किसी को प्यार हो जाए। जो कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत नॉइज़ है गाड़ी में, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उनको ये शोर पसंद आता है भाई। और कितनी फ्लुएंट चल रही है गाड़ी, जबकि भाई कितने किलोमीटर चल चुकी होगी ये अभी तक? भाई ये चल चुकी होगी 1.5 लाख प्लस, भाई 1,60,000 चलने वाली है ये गाड़ी।
और अभी भी यार मैं बता रहा हूँ इंजन से मतलब एक आवाज नहीं है यार, एक आवाज नहीं है। और मतलब गाड़ी खींचने पे तो ऑब्वियसली आवाज है, बट वो आवाज अपने को अच्छी लगती है। कितनी प्यारी, क्या बाने, बढ़िया चल रही कि नहीं गाड़ी? एकदम अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है बैठ के। और क्या, पुरानी वाली पहुंच भाई, बहुत जल्द सब गाड़ियों को हम लोग लेके जाएंगे ऑफ रोडिंग भी करने, वो भी आपको दिखाएंगे। और अच्छा भाई, लेकिन एक अभी नई वाली फॉर्च्यूनर भी खरीदा है तुमने? हाँ है ना, मतलब हाँ। तो अब ये चलाने में मजा आ रहा है? बिल्कुल भाई, इसका अलग मजा है, उसका अलग मजा है, लेकिन कैसे मतलब समझ में आती है गाड़ी में, लेकिन नई वाली को बहुत स्मूथ कर दी है, लेकिन फिर भी भगाने में तो क्या कहते हैं कमी लगती होगी थोड़ी बहुत। हाँ, वो पावर नहीं मिलती है क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत अंतर आ गया है। लेकिन मतलब कंफर्ट किसमें मिलता है ज्यादा? कंफर्ट तो भाई मुझे इसी में मिलता है। ऐसा क्यों? इसकी ड्राइविंग प्लेजर अलग है, जबकि भाई ये भाई के पास इसके बाद वाली भी फॉर्च्यूनर है, उसके बाद वाली भी है और ये भी है, फिर भी इसी गाड़ी से भाई अलग लगाव है, इसलिए इतने पैसे खर्च दिए इस पे। भाई पूरी गाड़ी पेंट होने में कितना कॉस्ट आ गया लगभग? लगभग भाई लगभग अलॉयस को लेके 1.5 लाख तक टच हो रहा है भाई। 1.5 लाख रुपए वो भी सिर्फ पेंट में कोई लगा देती पुरानी गाड़ी में, तो भाई समझ लो किस लेवल का ही प्यार होगा इंसान को, है ना। बट वही है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, और अभी भी ये भाई प्रोजेक्ट कार बनने जा रही है, और अभी इसमें बहुत कुछ होना है आगे। अभी तो सिर्फ एक पेंट का काम हुआ है जो कि हम लोगों ने आपको दिखाया है बाहर से, और पहले से ही इसकी लाइट वगैरह बदली है आगे पीछे हर तरफ से, तो लाइट तो नहीं बट इसका अगर बात करें ग्रिल की, इंटीरियर की, तो भाई हम लोग वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं ना कि आप मतलब देख के यार, जो जिसको गाड़ी का शौक होगा ना उसको देख के दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा वही काम भाई आपको दिखाते हैं, मैंने पहले भी बोला है, वही चीज़ें दिखाते हैं जो कि हमें खुद अच्छी लगें, क्योंकि अगर हमें नहीं अच्छी लगेगी हम आपको दिखाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपको भी नहीं अच्छी लगेगी। डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ इसका अलग आता था, जहाँ आपके ट्रैक्शन कंट्रोल है यहाँ पे, और यहाँ से आप रेयर एसी भी कंट्रोल कर सकते हो, एसी कंट्रोल्स हैं आपके यहाँ पे। भाई ये सबसे पॉपुलर फॉर्च्यूनर थी, मतलब सबसे पॉपुलर शेप था अपने इंडिया के लिए। अब तो नई वाली बिकने लगी है, लेकिन जिस तरह से भाई ये बिकी थी ना, शायद कमी गाड़ियाँ हैं जिसके सेल्स को मैच कर पाएंगी, क्या भाई? हाँ, जब ये आई थी तो सिर्फ यही एक गाड़ी थी ट्रेंड में, और कोई गाड़ी थी नहीं। और इसी के आने के बाद भाई एंडेवर का थोड़ा बाजार पिट गया था, लोगों को बहुत पसंद आई थी ये गाड़ी। अच्छा भाई, लेकिन मुझको ये नहीं समझ में आता है कई लोग इसमें भी 4x2 मॉडल क्यों लेते हैं भाई इस गाड़ी का? अब उनको एवरेज की और उन सब की ज्यादा टेंशन रहती है भाई। इतनी भारी गाड़ी में जब तक ये दो गियर ना दिखे तो भाई क्या मतलब, अगर मैं तो समझता हूँ वेट से ही फंस जाए भाई गाड़ी फंसने का, लेकिन भाई 4x4 में कॉन्फिडेंस अलग रहता है। वही मैंने बोला भाई, अभी शौक की कोई कीमत नहीं होती है। बाकी लेकिन सीरियसली यार, जो लोग बोलते हैं ना रिलायबिलिटी, भाई रिलायबिलिटी जो दूसरे कंपनीज को टोयोटा से सीखना चाहिए, और मतलब यार लग ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है, लग रहा है कि मीटर बढ़ाया हुआ है गाड़ी के चलने पैसा लग रहा है, लेकिन कोई क्यों ही बढ़ाएगा भाई अपनी गाड़ी का मीटर, लोग कम ही कराते हैं उल्टा, जबकि इसका कम नहीं हुआ है ना कभी भी? नहीं भाई, मीटर कभी कम नहीं हुआ भाई, तो ये ओरिजिनल गाड़ी का मीटर है। बाकी भाई मज़ा आ गया यार, इतने दिन बाद ये गाड़ी आई थी, बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे। अब इसमें कई सारे नए काम होने हैं भाई, जो जो होता जाएगा वो सब आप सब देखते जाएंगे इसी चैनल पे। तो एक तो प्रोजेक्ट कार अपनी है ही, अब एक तो और आ गई है, तो नहीं भाई ठीक है। बात करें यार फॉर्च्यूनर की, तो भाई
अपने जो सारे दोस्त हैं यार वो सब बार बार यही गाड़ी खरीदते हैं, जिसकी वजह आज तक हम लोग आपस में खुद भी नहीं समझ पाए बहुत ठीक से, लेकिन बस मन में रहता है कि नहीं यार फॉर्च्यूनर तो आनी ही है साल में एक बार। इस क्वालिटी के लिए माफ़ कर दो। आ चुके हैं हम लोग घर पे अपने नैनी, और अब भाई जा रहे हैं सोने। और एक चीज़ दिखाऊं, इतनी गर्मी लग रही है ना, देखो एसी चला दिया यार तुम लोग की कसम। कोई चलाया अभी तक एसी? मेरे ख्याल से नहीं चलाया है। कोई बात नहीं, मैं चला लिया हूँ, मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और क्या बताऊँ, अब अगले ही व्लॉग में बताऊँगा जो होता है ना, अभी बताऊँ मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।